हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पिंकी के ढाबे में। दोस्तों, आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मोमोज। दोस्तों, आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, स्टीम मोमोज, फ्राई मोमोज, लेकिन आज स्पेशल मोमोज बनाएंगे हम, ग्रेवी मोमोज, जो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और अच्छे लग। आइए बनाना शुरू करते हैं। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले मैं मैदा गूंदूंगी। उसके लिए मैं लूँगी 2 कटोरी आटा। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब पानी डालकर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। अब हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे और तब तक हम अपनी मोमोज की फिलिंग तैयार करेंगे। मोमोज की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सोयाबीन की भिंगोड़ियों को भिगोकर और पानी में से अच्छे से निचोड़ लिया है। सोयाबीन को मिक्सी में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसकी हम फिलिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले पैन में ऑयल गरम करेंगे। अब हमारा तेल गरम हो गया है। अब उसमें हमें फाइन चॉप करी हुई प्याज डालेंगे। और इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब प्याज में कलर आना शुरू हो गया है। अब इसमें हम ग्राइंड करी हुई सोयाबीन डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। उसको 1-2 मिनट तक चलाते रहेंगे। अब हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब इसे हम एक बाउल में निकालेंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। तब तक हम अपनी मोमोज की चटनी तैयार करेंगे। मोमोज की चटनी बनाने के लिए मैंने 6 साबुत लाल मिर्च और 2 टमाटर, इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। और अब इसको हम पहले टमाटर के छिलके उतारेंगे इस तरह से। इस तरह से टमाटर का छिलका निकाल दें, क्योंकि फिर चटनी में जो है ये छिलका नहीं आएगा, वो अच्छे से आसानी से पिस जाएगी। चटनी बनाने के लिए हम मिक्सी के जार में पहले टमाटर को 4 पीस कर देंगे। फिर लाल मिर्च, 6 कलियां लहसुन की, थोड़ा सा अदरक, आधा चम्मच नमक डालकर अब इसको हम पीसेंगे। चटनी हमारी पिस गई है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। चटनी फ्राई करने के लिए हम इसमें सबसे पहले थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम अपनी चटनी फ्राई करेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच विनेगर डालेंगे, आधा चम्मच सोया सॉस। इससे चटनी के अंदर कलर बहुत अच्छा आएगा। अभी अभी इसको हम फ्राई करेंगे और देखना कलर कितना अच्छा और डार्क हो जाएगा। चटनी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसे हम बाउल में निकालेंगे। देखिए हमारी चटनी का कलर कितना अच्छा आया है। देखने में अच्छी लग रही है, खाने में भी अच्छी लगेगी। चटनी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब बनाते हैं हम मोमोज। आटा हमारा तैयार हो चुका है और हम इसको अच्छे से एक बार और फिर मसल देंगे। अब हम इसकी बनाएंगे छोटी छोटी पेड़ियाँ। इतने साइज की छोटी छोटी बनाएंगे लोइयाँ हम। अब सबसे पहले हम अपनी लोइयाँ बनाएंगे छोटे छोटे आकार में, रोटी की तरह बनाएंगे।
इतनी बड़ी बड़ी बनानी है हमें। अब हम अपनी लोइयों को रोटी के छोटे आकार में बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम सोयाबीन की फिलिंग भरकर इन्हें तैयार करेंगे। अब इनको हम सोयाबीन की फिलिंग से भरेंगे और इनको डंपलिंग स्टाइल में बनाएंगे। इनको हम धीरे धीरे इस तरह से करके इनको मोड़ेंगे और इसको फिर बाद में इस तरह से घुमा के इसको नीचे ऐसे दबा देंगे। ये हमारा बनके तैयार है। बाकी के मोमोज भी हम इसी तरह से बना के तैयार करेंगे। मोमोज में हमने फिलिंग भर के तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। अब तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें मोमोज एक एक करके डालेंगे। और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मोमोज हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। ग्रेवी मोमोज बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे इसकी ग्रेवी। और फिर उसमें लेंगे हम 3 चम्मच अपनी चटनी, रेड चटनी। फिर उसमें लेंगे हम 1 बड़ी चम्मच मेयोनी, कुछ हमने प्याज के इस तरह के छल्ले निकाल कर बना लिए हैं और यही से हम इसमें डालेंगे। और थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला और इनको अच्छे से मिला देंगे। ग्रेवी हमारी बन चुकी है। अब इसमें हम अपने फ्राई किए हुए मोमोज डालेंगे। अब अच्छे से इनको मिला देंगे। ये हमारे अच्छे से मिल गए हैं। देखिए हमारे मोमोज देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। और आप इनको खाएंगे तो टेस्ट करेंगे, बहुत टेस्टी लगेंगे खाने में भी। अब हमारे ग्रेवी मोमोज तैयार हो चुके हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।